आज हमारे बीच में बीके शर्मा जी हैं। हमारा भाग्य है और किस्मत है कि इत्तेफाक से हमें मिले हैं। बेसिकली सर दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन हिमाचल से बहुत लगाव है, इसलिए कि इन्होंने भी हिमाचली टोपी पहनी हुई है, मैंने भी, तो इन्होंने मेरे को पहचान लिया, मैंने इनको पहचान लिया। धर्मशाला में कार्य क्षेत्र है सर जी का, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से इनको अवार्ड प्राप्त है, अवार्डी हैं। और जो बच्चे हैं जिनको नाटक में काम करने की इच्छा होती है, प्रॉपर नाटक करते हैं, और जिस तरह से फिल्मों में लोग काम करते हैं वहाँ पर इनके स्टूडेंट जाते हैं, बड़े बड़े संस्थाओं में जाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी या जो भी मित्रगण या जो भी बंधु भाई ड्रामा में हिस्सा लेना चाहें तो सर जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए हम इस विषय के ऊपर सर जी से बात करें कि किस तरह से उनके मन में ये जुनून आया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उन्होंने अपना एंट्री किया, और वहाँ से जो नए बच्चे हैं उनको सिखाने की, इनके अंदर एक जुनून सा, इनको सिखाने का एक जुनून पैदा हुआ और वो जुनून को लेके जी रहे हैं, जबकि अभी इनकी उम्र 65 से अबव है, फिर भी इनके अंदर इतनी लगन और मेहनत है। तो आइए हम जानना चाहते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमें मिले, और हम अपने YouTube के माध्यम से आम जनता तक आपकी बात रखेंगे। तो सर जी, आप के अंदर ये कैसे जुनून आया कि बच्चों को इस तरह से सिखाना है? नहीं, मैं तो अच्छा भला आपकी तरह शायद पत्रकार बनने वाला था, मैं हिंदुस्तान टाइम में ऑलरेडी नौकरी कर रहा था। जी जी। तो एक दिन एक नाटक देख लिया तो मुझे लगा यार ये मैं लिखने का सिर्फ काम ना करके स्टेज पे कुछ करने का भी काम कर सकता हूँ। तो मैं नौकरी छोड़ के ड्रामा स्कूल में एडमिशन ले लिया, मिल गया जी, और आ गया और नाटक में आ गया जी। अब नाटक करने के बाद ज़्यादातर लोग जो है वो बॉम्बे जाते हैं, तो लेकिन नाटक ने मुझे इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, मुझे एक बेहतर इंसान बनाया सबसे बड़ी बात। और तो मैंने सोचा यार नहीं, सभी लोग तो बॉम्बे जा रहे हैं, मैं तो दिल्ली में रह के नाटक करूँगा। तो मैंने बच्चों के लिए नाटक करना शुरू किया। ड्रामा स्कूल से पास करने के बाद ज़्यादातर लोग बॉम्बे ही जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ड्रामा करने की इच्छा ज़्यादा थी जी। ऐसा नहीं है कि मुझे फिल्मों से कोई लगाव परहेज है। मैंने भी कुछ एक फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए हैं, अदभुत, कभी कभी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे थिएटर ने जो दिया ना वो और कहीं मिल नहीं सकता, क्योंकि थिएटर से ही कहते हैं कि थिएटर ही जिंदगी और जिंदगी ही थिएटर है। वो शेक्सपियर ने कहा ना, पूरी दुनिया रंगमंच है, दुनिया सारी क्या बात? हम सब केवल अभिनेता, अभिनेता अपना अपना रोल निभाने के लिए आए हैं दुनिया में। हर बंदा की एक एंट्री है और एग्जिट है, कभी आया अपना रोल करके चला जाए। तो इसलिए तो मतलब जो एक्चुअली स्टेज कलाकार है वो ड्रामा से ही तैयार होता है, जिसने ड्रामा किया है और स्टेज पे कला को समझा है वो फिल्मों में जाके या कहीं भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपना रोल अदा कर पाता है। हाँ, जिंदगी में भी कर पाता है भाई। आप कभी दादा का रोल करते हैं, कभी चाचा का रोल करते हैं, कभी मामा का रोल करते हैं, कभी पिताजी का रोल करते हैं, कभी बेटे का रोल करते हैं, तो सबको अपने अपने रोल अच्छे से निभाना आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, अद्भुत अद्भुत बात कही है। नहीं तो फिर जिंदगी कैसे चलेगी? किरदार को निभाना, सभी निभा रहे हैं अपना अपना किरदार, हम भी निभा रहे हैं। मैं हिमाचल में क्यों काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। आप हिमाचल से आप जुड़ गए और आप पिछले 5-7 सालों से वहाँ पर हैं, तो आपको कैसे लगा कि आप हिमाचल की तरफ रुझान करेंगे? एक्चुअली मैंने ना नाटक में रहते हुए बहुत सारे नाटकों का अनुवाद किया, बहुत सारे नाटक लिखे, बहुत से नाटक डायरेक्ट किए, बच्चों के साथ काम किया, बच्चों के लिए काम किया, बड़ों के साथ काम किया, बड़ों के लिए काम किया, और मैंने जो भी ये लिखने पढ़ने का काम किया जी, जैसे मैंने करीब 1000 गाने लिखे थिएटर के लिए, अद्भुत, और बहुत सारे नाटक ट्रांसलेट किए, बहुत सारे नाटक लिखे, इसमें ज़्यादातर काम मैंने हिमाचल के किसी ना किसी शहर में बैठ के ही किया। मैं हर साल में 2 बार या 3 बार भी कई बार हिमाचल के किसी ना किसी शहर में टाइम बिताया मैंने। अद्भुत, तो आपको बहुत लगाव है हिमाचल से। मैं हिमाचल का बड़ा पुराना प्रेमी हूँ,
और मुझे लगा कि अब इस उम्र में जिस प्रदेश ने मुझे इतनी क्रिएटिविटी दिया है, मुझे वहाँ के लोगों के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे बीच मौजूद रहे, आम जनता के लिए आपने बातें कही हैं। हमें भी अच्छा लगा। धन्यवाद।